स्नेहा तो नहीं थी नॉटी, पर उत्कर्ष जो है बचपन से ही, पर इतना खामोश तबीयत था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये इतना नॉटी है। हाँ जी, और एकदम एक हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि हादसा कह सकते हैं, खुशी कह सकते हैं कि एक हमारे ही मोहल्ले में एक जागरण हुआ, जिसमें कि जब जब ये सारे बच्चे, मतलब पिंटू है एक बच्चा वहाँ का, नीरज नाम है उसका, तो उन लोगों ने इसको सेलेक्ट किया सुदामा बनने के लिए, और और हमको हम पसंद लोग है, अब सब क्या शॉकिंग करेगा ये, थे। कुछ नहीं और करेगा। मैं लास्ट टाइम तक 9-10 बजे तक उस बंदे के पैर पकड़ती रही कि ये आपकी इंसल्ट करवाएगा और आप इसको मत दो ये रोल। लेकिन उन्होंने कहा दीदी हमें पता है कि ये कर पाएगा। मैंने कहा मुझे पता है मेरा बच्चा है। लेकिन जब वो सीन आया 11-12 बजे रात को और उतू ने किया, तो हम लोग सब इतना चिल्ला चिल्ला के पहले हम शाउट इसकी कर एंट्री रहे पे थे, हंस रो रहे रहे थे, थे। पहले मैं पहले हम कि बहुत हंस रहे थे जब अब इसकी ये एंट्री क्या हुई करेगा, है। कुछ नहीं करेगा, हंस पड़ेगा। लेकिन ये हमें देखकर हंसा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हंसा, और अपने ही एक्ट में रहा इसे, मतलब धक्के मारे, लोग रो रहे हैं और हम सब थोड़े 5 मिनट के अंदर, मतलब पूरी ऑडियंस रोने लग गई। तब हमें समझ में आया, अरे ये तो एक्टर और है। उसके एक महीने बाद तक सारे बच्चे मुझे गली में जैसे ही निकलता था, ए सुदामा, ए सुदामा, इतना गुस्सा आता था। हाँ, स्नेहा का तो ये था कि जैसे हम लोग मार्केटिंग करने जाते थे, तो हर वक्त हम स्नेहा को बचपन से एक बात समझाते थे कि बेटा देखो आपके पास बहुत कपड़े हैं, और अब हम लोग किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं, आप कपड़ों पे मत हाथ लगाना। जैसे हम SN मार्केट जाते थे या साउथ एक्स मार्केट, जहाँ भी जाते थे हम, तो स्नेहा ओके करके चलती थी। तो क्या होता था कि जब चलते 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 मैं, उत्तू, हम लोग, मतलब पापा इसके, हम खरीद रहे हैं कुछ, पीछे से एक बच्चा बोलता था मम्मी मम्मी, तो देखती थी इतना ढेर सारा, मतलब सामान, इसने अपने शॉपिंग कपड़े कर रखी है। शॉपिंग कर रखी है, मम्मी ये ले लो वो ले लो, तो इसकी आदत थी। और एक रोज़ ट्यूशन जा रहे थे मैं इसको साउथ एक्स पार्ट टू में छोड़ने, तो मेरे पास 100 रुपये थे कि रिक्शे पे आने जाने का भाड़ा था मेरे पास। तो मैंने स्नेहा को पहले ही समझा दिया था, क्योंकि साउथ एक्स पार्ट टू में एक टॉयज़ की बहुत हाई फाई दुकान मिलती थी, तो मुझे ये डर था कहीं ये वहाँ ना अटक जाए, तो मैंने पहले से ही बहुत पक्का कर रखा था। इसने ओके किया था मुझे, डन कर मम्मी नहीं करूँगी। और जैसे ही हम उस शॉप के नियर पहुँचे हैं, स्नेहा ने कहा बस एक बार देख लेते हैं, बस एक बार मम्मा। मैंने कहा ओके। तो वहाँ एक हरे बालों वाला ऐसे था, कोई टॉय था वहाँ पे रखा हुआ, और स्नेहा ने फटैक से ले लिया, और मुझे, मेरे हाथ में 100 की जगह 5 रुपये थे, 95 रुपीज़ का वो आ चुका था। तो यही इसका था बस, और बाकी कुछ नहीं। बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी, सिंसियर बेटी है मेरी, बेटा भी बहुत सिंसियर है, बस वो नॉटी है, ये बहुत ज़्यादा नॉटी है, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब मोहब्बत तो दिल से तीनों बच्चे करते और हैं। मेरे कोई किस्से आपको बताने हाँ, हैं? किससे हैं इसके, नहीं, छोड़ो छोटे चलो, छोटे छोड़ो। छोटे छोटे घाघरे जो मेरी बेटी के होते थे, ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए बचपन से मांगता था मुझसे। हाँ, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।